हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि सब लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के वीडियो देखे होंगे, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लाइन एंड सर्कल, ठीक है। वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको अच्छे से समझो। उसमें मैंने आपको दो तरीके का अप्रोच बताया था, उसी के बेसिस पे हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले। ओके, ठीक है, तो ध्यान दो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा डज द लाइन 3x + 4y = लैम्ब्डा टच द सर्कल x² + y² = 10x। तो आपको क्या पूछा गया कि लैम्ब्डा की किस वैल्यू के लिए ये जो लाइन है ये सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो आपके पास कंडीशन डैश कर रही है, ठीक है। अब ये सर्कल का इक्वेशन आपको क्या दे, ये होगा सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। सर्कल क्या दिया आपको, सर्कल दिया है x² + y² - 10x = 0, ये सर्कल दिया है आपको। अब इसको जब आप कंपेयर करोगे तो आपको 2g की वैल्यू कितनी आएगी, -10। 2g की वैल्यू -10, तो g की वैल्यू कितनी, -5। तो -g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। 2g की वैल्यू -10, तो g की वैल्यू कितनी, -5। तो -g की वैल्यू कितनी, 5। ऐसे -f की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों 0, क्योंकि यहाँ पे तो y की कोई टर्म है नहीं। और c भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर अब आपको पता चल गया, सेंटर क्या है, -5, 0। सेंटर क्या है, -5, 0। और इसको पी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या लगा कि ये जो लाइन है इस सर्कल के इक्वेशन को क्या कर रही है, टच कर रही है। लाइन है सर्कल के इक्वेशन को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो इसका मतलब कि जो सीपी डिस्टेंस होगा, सीपी डिस्टेंस वो किसके बराबर में होगा, रेडियस के बराबर में हो जाएगा। ये देखो सीपी डिस्टेंस, सीपी डिस्टेंस किसके बराबर में हो जाएगा, रेडियस के बराबर में। अब ये सीपी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सीपी क्या है, सीपी इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कौन सा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सबको फॉर्मूला याद होगा, डिस्टेंस क्या करते थे उसमें हम लोग, पहले लाइन का इक्वेशन जैसे कैसे लिखते थे, ये लाइन का इक्वेशन है 3x1 प्लस 4y1 माइनस लैम्ब्डा अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों को डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला याद होगा। एक बार बता देता हूँ, जैसे लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो PQ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता, याद करने का तरीका, लाइन का इक्वेशन जैसे के वैसे लिखो, x के जगह x1, y के जगह y1 प्लस c अपॉन में कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ a² + b² जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ओके, तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा ही किया। तो CP क्या है, CP डिस्टेंस है इसका, इस पॉइंट का, इस लाइन से क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे पहले। लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y माइनस लैम्ब्डा अपॉन x की जगह क्या आएगा, x1, y की जगह क्या आएगा, y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y1 के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बीच बराबर में, रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, अंडर रूट ऑफ g² + f² - c, ठीक है। सो 3x1 कितना, ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, इसी पॉइंट से हम लोग इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो x1 कितना हो गया, -5 + 4, y1 कितना हो गया, 0 - लैम्ब्डा अपॉन ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो ठीक से, अंडर रूट ऑफ g², अच्छा g कितना है, जी है -5, तो -5 का स्क्वायर 25 प्लस f², f कितना है, 0 का स्क्वायर 0, माइनस c कितना, ये भी 0 है, तो ये कितना दे रहा है आपको, ऊपर में आ रहा है -15
माइनस 15 माइनस लैम्डा अपॉन 5 इक्वल्स टू, ये कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ओके। अब क्या करते हैं माइनस कॉमन निकालते हैं, जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो मॉड उस नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, तो क्या बचेगा अंदर में बचेगा मॉड ऑफ 15 प्लस लैम्डा अपॉन 5 का मॉड क्या होता है 5 ही होता है, 5 को शिफ्ट किया तो कितना आ गया 25, तो मॉड ऑफ 15 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू कितना 25, ठीक है। अब सबको पता है कि मॉड को ओपन करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो तरीके से मॉड को ओपन करते हैं, एक पॉजिटिव से और एक निगेटिव से। पहले इसको पॉजिटिव से ओपन करते हैं, 15 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव 25 ले रहे हैं, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई, ठीक है। या फिर इसको निगेटिव से ओपन करते हैं, 15 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 25, तो लैम्डा कितना हो जाएगा फिर 15 हो जाएगा तो माइनस 40, तो ये हो जाएगी आपकी लैम्डा की वैल्यू, एक आएगी 10 और एक आएगी माइनस 40, ठीक है ओके। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू बतानी है आपको, फॉर विच द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 2, ये लाइन का इक्वेशन दिया आपको, लाइन का इक्वेशन इसको ठीक से लिख लेते तो ये हो जाएगा mx माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सर्कल दिया है आपको, सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सर्कल दिया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो लाइन है ये सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट कर रही है या फिर कोइंसिडेंट पॉइंट में, ठीक है। इसका मतलब समझो अच्छे से कि कंडीशन कुछ ऐसी है आपके पास कि ये सर्कल दिया है और ये लाइन दी है, तो ये इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या कर रही है कट कर रही है, या फिर ये सर्कल दिया और ये लाइन दे ये इसको एक पॉइंट में क्या कर दिए टच कर दिए, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। ज्यादा समझ में आ रहा है सर, क्यों या तो लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट कर रही है या फिर लाइन सर्कल को एक पॉइंट में क्या कर रही है टच कर रही है। तो जैसे मान लो ये हो गया इसका सेंटर, तो मैंने आपको कंडीशन लिखा के दिया है, इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो सी स्क्वायर की वैल्यू है वो लेस आएगी ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर से, सी स्क्वायर की वैल्यू लेस आएगी किससे ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर से। और किसके लिए, इसके लिए क्या कंडीशन है कि सी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल में आती है ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर के लिए, ठीक है। सी मतलब कितना है, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, लाइन का जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सी के वैल्यू कितने 2, यहाँ पर रखा 2 का स्क्वायर लेस दैन, ये मतलब क्या होगा रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 लेस दैन 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ से आपको एम स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी ग्रेटर दैन ये इधर क्या 3 आ जाएगा, एम स्क्वायर की वैल्यू 3 से ग्रेटर मिल गई। और यहाँ देखते हैं सी कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 1 इधर गया तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, और एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एम स्क्वायर 3 है और ये कह रहा है कि m स्क्वायर की वैल्यू 3 से ग्रेटर है और ये कह रहा है कि m स्क्वायर 3 के बराबर में है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ये बात बोल सकता हूँ कि m स्क्वायर की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर है, m स्क्वायर की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर है, तो एम स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके फैक्टर क्या आएगी, इसके फैक्टर आएगा एम माइनस रूट 3 और एम प्लस रूट 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है।
m इसका फैक्टर m स्क्वायर माइनस 3 को कैसे लिखेंगे, रूट 3 का स्क्वायर, तो m माइनस रूट 3 m प्लस रूट 3। अब आपको इसके शॉर्टकट पता है कि हम इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते थे, एक नंबर लाइन बनाते थे नेगेटिव इंफिनिटी से गए पॉजिटिव इंफिनिटी, ये जीरो कब बनेगा, ये जीरो कब बनेगा जब m की वैल्यू कितनी होगी रूट 3 हो जाएगी, m की वैल्यू रूट 3, और ये जीरो कब बनेगा जब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस रूट 3 हो जाएगी, ठीक है ओके। तो अब क्या हुआ, नंबर लाइन तीन पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, 1, 2, 3। अब यहां से कोई भी एक आधी पॉइंट लेके इस पे पुटअप करो, ठीक है, कोई भी एक आधी पॉइंट, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पुटअप किया 3, ये 3 आएगा यहाँ पे, रूट 3 की कितनी आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 2 भी आ जाएगा, ठीक है, तो 2 पुटअप करके देखते हैं, तो 2 माइनस रूट 3, थोड़ा सा इमेजिन करो कि 2 माइनस रूट 3 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव आएगी, और 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू भी कैसे आएगी पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव ये पार्ट क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। जहां पे माइनस रूट 3 रूट 3 के बीच का कोई नंबर इमेजिन करो, सबसे बढ़िया 0, तो 0 माइनस रूट 3 कितना हो गया माइनस रूट 3, 0 प्लस रूट 3 कितना हो गया रूट 3, तो ये क्या देगा माइनस रूट 3 इनटू प्लस रूट 3 माइनस 3, तो ये देगा आपको नेगेटिव नंबर, और ये क्या देगा आपको पॉजिटिव नंबर। तो हमें क्या चाहिए ग्रेटर चाहिए, हमें क्या चाहिए ग्रेटर, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर कहां कहां से आ रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी टू माइनस रूट 3 क्लोज इंटरवल में आएगा, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है रूट 3 माइनस रूट 3 इंक्लूडेड यूनियन रूट 3 से लेके इंफिनिटी। आई होप कि आपको इसको देख के कुछ नया सा नहीं लग रहा होगा, ये चीजें हमने पहले भी सीखी है ओके, ठीक है। एक बात कि आपके नोट्स में ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, तो आप करेक्शन कर लेना उसमें, ठीक है ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन ठीक से लिख लेगा, सर्कल का इक्वेशन दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करते हैं माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये सर्कल हो गया, ठीक है। पहले यहां से अपन कुछ चीजें निकाल लेते हैं, जैसे कि सेंटर रेडियस वगैरह निकाल लेते हैं, सेंटर सेंटर कितना आएगा इसका, सेंटर 2g की वैल्यू कितनी है, 2g की वैल्यू है माइनस 4, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2, माइनस g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2f की वैल्यू कितनी है माइनस 8, 2f की वैल्यू कितनी है माइनस 8, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 4, माइनस f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 5। आप लोग रेडियस बता सकते हो इस सर्कल का, ठीक है, सेंटर को बता सकते हैं, सेंटर क्या हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ यानी 2, 4, और रेडियस बता सकते हो जी स्क्वायर 4 प्लस एफ स्क्वायर 16 माइनस सी माइनस 5 तो प्लस 5 हो जाएगा, तो रेडियस कितनी आ गई 5, चलो रेडियस आ गई और सेंटर भी आ गए। अब आगे क्या बोला है, ओके तो रेडियस आपके आ गई 5। अब यहाँ क्या बोला गया कि ये जो लाइन है इस सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या करें कट करें, जैसे मान लो ये सर्कल दिया है ये सर्कल और ये होगी इसकी लाइन, ये हो गया इसका सेंटर, अच्छा यहां से आता क्या होगा रेडियस, और ये इसी क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से आता क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रेडियस से कैसा आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कैसा आएगा स्मॉलर आ जाएगा, ठीक है। तो अब लोग हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या कहता है फॉर्मूला क्या कहता है कि आप पहले लाइन का इक्वेशन लिखो, लाइन का इक्वेशन क्या है 3 एक्स की जगह आएगा एक्स 1 माइनस 4 वाई की जगह आएगा वाई 1 माइनस एम अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16, और ये लेस आ रहा है रेडियस से, रेडियस कितनी है 5, ठीक है। क्या कंसेप्ट लगाया हम लोगों ने कि देखो एक बार फिर से देखो, कंसेप्ट ये यूज किया हम लोगों ने कि यहाँ पे ये क्या सेंटर और ये क्या हो गया आपकी लाइन, ये हो गया
सेंटर और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस P, ठीक है, और ये हो गई सर्कल की रेडियस R, तो P जो है R से कैसा आएगा, स्मॉलर आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये लाइन का इक्वेशन, ओके, मॉड ऑफ 3x की जगह क्या है, ये x1y1 होता है, x1y1, तो x1 सेंटर कितना आया था आपका, सेंटर आया था 2 माइनस 4, y कितना आया, y कितना आया 4 माइनस m, एम तो फाइंड आउट करना है, अपॉन में ये कितना देगा 5, लेस देन 5, तो ऊपर से अगर देखोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा माइनस 16, 6 माइनस 16 माइनस 10 माइनस m अपॉन 5 लेस देन 5, ठीक है। माइनस कॉमन निकाला, माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो वो माइनस मॉड उस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये देगा 10 प्लस m, और 5 का मॉड तो 5 होता है, ये गया उधर, ये लेस देन 25 आ जाएगा, ठीक है, लेस देन 25। अच्छा, आपको एक कंसेप्ट पता होगा और हमने काफी बार सीखा भी है चीज मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस के बारे में क्या कि अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू मान लो 1 से कम है, मॉड ऑफ ए की अगर 1 से कम, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम और माइनस 1 से ग्रेटर, 1 से कम और माइनस 1 से ग्रेटर, ये काफी बार हो चुका है। तो यहां पे भी आप क्या बोल सकते हो कि 10 प्लस एम 25 से लेस आएगा और माइनस 25 से ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। हमें तो m चाहिए तो मैं सब में माइनस 10 ऐड कर रहा हूं, सब में माइनस 10 अगर ऐड किया तो ये बनेगा माइनस 35, ये बन जाएगा m और ये बन जाएगा 35, तो m की वैल्यू किसके बीच में लाइज कर रही है, माइनस 35 से 35 के बीच में लाइज कर रही है, ठीक है, ओके ओके। आई होप आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, ठीक है, नहीं समझा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, ठीक है, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। इसमें हमें 3 डिफरेंट केसेस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है ये डिस्कस करना है, ओके। 3 डिफरेंट केसेस है, 3 डिफरेंट केसेस कौन से, चलो वो देखते हैं। सबसे पहली केस है आपके पॉइंट फॉर्म। अब ये पॉइंट फॉर्म क्या होता है, ठीक है, देखो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसका यूज बहुत से आगे काफी जगह होगा और आने वाले चैप्टर्स में भी इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये समझ लो तो आपको इलिप्स को टेंजेंट कैसे बनाना, पैराबोला को टेंजेंट कैसे बनाना, हाइपरबोला को टेंजेंट कैसे बनाना, ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से देखो, जेई में एक क्वेश्चन तो पक्का इस टॉपिक पे होता ही है, ठीक है, ध्यान से देखो। पॉइंट फॉर्म क्या कहता है, जैसे मान लो एक सर्कल दिया आपको, ये सर्कल, ठीक है, सर्कल जिसका सेंटर रहेगा ओरिजिन, ठीक है, सेंटर और रेडियस है आर, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो हो गया आपका सर्कल, ठीक है। इस सर्कल पे मान लो एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, इस पॉइंट से क्या हो रही है, टेंजेंट बन रही है, ये P पॉइंट है x1 y1, ये P पॉइंट कहां पर है, सर्कल पे है, ये सर्कल के इक्वेशन को क्या करेगी, सैटिस्फाइड करेगी, ओके। तो हमें इस टेंजेंट का इक्वेशन बताना है, ठीक है, ध्यान से देखो क्या दिया है, सर्कल दिया है, सर्कल कौन सा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब इसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, रेडियस क्या हो जाएगी r, और एक P पॉइंट है जो कहां पर है, सर्कल पर है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और वहां से क्या हो रही है, टेंजेंट पास हो रही है, तो हमें क्या करना है, इस टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। अब टेंजेंट भी बेसिकली क्या, एक लाइन ही तो है, ठीक है, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना है, आपको पता है एक पॉइंट और एक स्लोप होना चाहिए, कि मतलब वो लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप क्या है, ठीक है, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ क्या पता है, हमें यहाँ पे पॉइंट पता है कि जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, ये बात पता है, इस लाइन की स्लोप पता है क्या, नहीं, ठीक है, तो स्लोप निकालते हैं। अब ये क्या होगी, रेडियस, और सबको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि जब आप सेंटर से कोई लाइन बनाते हो टेंजेंट पे
तो वो कैसे रहती है 90 डिग्री होती है, ये हो जाएगी 90 डिग्री। तो आप स्लोप ऑफ ओपी बता सकते हो, स्लोप ऑफ ओपी फॉर्मूला क्या, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, वाई वन अपॉन एक्स वन माइनस जीरो यानी कितना हो जाएगा एक्स वन। लेकिन एक क्या मिल गया आपको, स्लोप, किसकी स्लोप, ओपी की स्लोप मिल गई, बट हमें तो लाइन की स्लोप चाहिए ना, इस लाइन की स्लोप चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ओपी इंटू स्लोप ऑफ लाइन ये कितना रहेगा, माइनस वन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट कितना था, माइनस वन। स्लोप ऑफ ओपी कितना, वाई वन अपॉन एक्स वन इंटू स्लोप ऑफ एल इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ एल इजिकल्स टू कितना होगा, एक्स वन को शिफ्ट किया तो माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन। किसका स्लोप मिल गया आपको, स्लोप ऑफ एल, एल मतलब क्या, टेंजेंट का स्लोप मिल गया। चलो स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता, तो इक्वेशन बना सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन, क्या फॉर्मूला क्या है, वाई माइनस वाई वन आएगा यहाँ पे, एक्स वन वाई वन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम आता है, एम मतलब स्लोप, स्लोप कितना, माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, सब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये होगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन स्क्वेयर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन स्क्वेयर, इसको इधर लेके तो उधर आएगा, तो वाई माइनस वाई वन प्लस x1 इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो कितना होगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है पॉइंट पी, ये कहाँ पर है, सर्कल पे है, तो ये सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, यानी ये पॉइंट सर्कल में अगर मैं पुट अप करता हूँ तो ये क्या देगा आपने को, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर देगा। समझा, ये पॉइंट पी कहाँ पर है, सर्कल पर है, तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब मैं एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ, आर स्क्वायर रख सकता हूँ, तो वाई वाई वन प्लस एक्स एक्स वन इज इक्वल टू कितना आएगा, आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वाई वाई वन प्लस एक्स एक्स वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको याद करना ना बहुत सिंपल है, आप बस कुछ चीजें ध्यान में रखो। चलो पहले आप तक समझ में आ गया, ठीक है, अब ध्यान में क्या रखना है आपको, नोट ध्यान में यह रखना है कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो एक्स एक्स वन के साथ, जब भी एक्स स्क्वायर दिखाई दे उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, एक्स एक्स वन के साथ। वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो वाई वाई वन के साथ, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो वाई वाई वन के साथ। एक्स अगर है तो उसको रिप्लेस करो एक्स प्लस एक्स वन बाय टू के साथ, x को किसके साथ रिप्लेस करना है, x प्लस एक्स वन बाय टू के साथ, और y को किसके साथ रिप्लेस करना है, y प्लस वाई वन बाय टू के साथ रिप्लेस करना है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको जैसे का वैसा रखना है। ठीक है, तो देखो ये सर्कल का इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आया, एक्स एक्स वन, देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन आ गया, इसको ठीक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह क्या आ गया, वाई वाई वन, और ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, ये जैसे के वैसे रहेगी। तो इक्वेशन ऑफ, अब ये प्रूफ आपको पता हो चाहे ना पता हो, ठीक है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे याद रखना है ये आपको मैंने बता दिया, कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, और एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, y की जगह y प्लस वाई वन बाई टू, और कॉन्स्टेंट की जगह क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यह हो गया आपका फर्स्ट अप्रोच। अब आते हैं सेकेंड अप्रोच पे, फर्स्ट अप्रोच क्या है, पॉइंट फॉर्म, अगर आपको एक पॉइंट दिया है तो टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट कैसे बनाना,
अब आपको स्लोप फॉर्म मतलब आपको क्या होगा कि एक लाइन दी है, लाइन का इक्वेशन आपको दिया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन का इक्वेशन दिया, और एक सर्कल दिया, सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये सर्कल दिया है और ये लाइन दी है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो हमने कल के क्लास में देखा था, कल के क्लास में क्या देखा था कि जब भी कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है ना, लाइन टचेस सर्कल एट अ पॉइंट, लाइन जब सर्कल को टच करती है तो सी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर में होती है, ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर के बराबर में होती है, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर के बराबर में होती है। सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, ये क्या है आपका सी। अच्छा ये बेसिकली क्या है आपकी, ये लाइन भी है और ये यही क्या है, टेंजेंट भी है आपकी, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, सी कितना है, सी कितना है, सी है प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, ये आ जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये देखो ये स्लोप के फॉर्म में ना, एम एम दिखाई दे रहा है एम, तो स्लोप के फॉर्म में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप फॉर्म। पिछले वाला पॉइंट के फॉर्म में था एक्स वन वाई वन, इसलिए उसको क्या बोलते थे, पॉइंट फॉर्म। बहुत सिंपल था, पिछले लाइन का इक्वेशन है वाई इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट कब बनेगी, जब सी की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, तो हमने सी की जगह पुट अप कर दिया, वाई इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, ये आ गया आपका स्लोप फॉर्म, ठीक है। ओके ओके, तो आपने फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, फर्स्ट क्या था, पॉइंट फॉर्म, सेकंड क्या था, स्लोप फॉर्म, थर्ड है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, जैसे ये सर्कल दिया है आपको, सर्कल इसका सेंटर है ओरिजिन, रेडियस है आर, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमने एक पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा है, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। इस सर्कल के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू, याद है क्या सबको, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू क्या होता था, आर साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, आर कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू क्या होता था, आर साइन थीटा। मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट इन जनरल क्या है, एक्स वन वाई वन, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अब ये पॉइंट कहां पर है, सर्कल पे है, ये पॉइंट कहां पर है, सर्कल पे, तो एक्स की जगह क्या आएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है, एक्स की जगह क्या आएगा, आर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो अब ये देखो, ये कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और ये कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। एक्स वन मतलब कितना, आर कॉस थीटा, और वाई वन मतलब कितना, आर साइन थीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या बताया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स एक्स वन कितना है, एक्स वन है आर कॉस थीटा, ये हो गया आपका एक्स वन, और ये हो गया वाई वन, तो आर कॉस थीटा प्लस वाई वाई वन कितना है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, आर स्क्वायर। अच्छा देखो, आर और आर कॉमन, और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, आर। ये क्या हो गया अपना पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है, ये हो गया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, पिछले क्लासेस में हमने इसको पढ़ लिया है। अब ये बेसिकली क्या, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल की इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो ये जो पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट फिलहाल मैंने क्या लिया, एक्स वन वाई वन, तो एक्स वन वाई वन इसको सेटिस्फाइड करता है, और ये भी इसको सेटिस्फाइड करता है। मतलब एक्स वन कितना होगा, आर कॉस थीटा होगा, और वाई वन कितना होगा, आर साइन थीटा होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, और आर स्क्वायर तो जैसे के वैसा,
एक्स, एक्स वन क्या रहेगा आर कॉस थीटा, वाई वाई वन क्या रहेगा आर साइन थीटा, और ये आर स्क्वायर, आर कॉमन और कैंसिल, तो ये आ गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। वैसे तीन केसेस हमें डिस्कस करना, पहला पॉइंट फॉर्म, दूसरा स्लोप फॉर्म और तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ओके, तो अभी आपने देखा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तीन तरीके, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मान लो आपके पास एक जनरल सर्कल दिया है, ये जनरल सर्कल है, ठीक है, जनरल सर्कल, जनरल सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, जनरल सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जनरल सर्कल हो गया, जनरल सर्कल पे पॉइंट है और ये होगी टेंजेंट, पॉइंट है एक्स वन वाई वन, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया आपको, पॉइंट, मतलब कौन सा फॉर्म निकालना अपने को, पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो आपको मैंने अभी कुछ देर पहले याद करने के लिए बताया था कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, एक्स एक्स वन, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आएगा वाई वाई वन प्लस टू जी एक्स की जगह, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाय टू प्लस टू एफ, वाई की जगह, वाई की जगह आएगा वाई प्लस वाई वन बाय टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल तरीके से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद रख सकते हो, तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस टू और टू कैंसल, तो जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस टू और टू कैंसल, तो एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू जनरल सर्कल, ठीक है ना, जनरल सर्कल। याद क्या रखना है, याद क्या रखना है अपने को कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह क्या वाई वाई वन, एक्स रहा तो एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वाई रहा तो वाई प्लस वाई वन बाय टू, और कॉन्स्टेंट को एज इट इज, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू जनरल सर्कल। ओके ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी सर्कल को टेंजेंट, है ना, किसी भी सर्कल को टेंजेंट का इक्वेशन कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है, सिंपल है। ओके, अब आता है न्यूमेरिकल पे, तो न्यूमेरिकल पे ध्यान दो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल, मतलब एक सर्कल दिया है आपको, ये सर्कल दिया है, सर्कल के सेंटर, सर्कल का सेंटर कितना होगा, तो सिंपल क्या करना, माइनस टू से, माइनस टू से डिवाइड करो, माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री, और ये माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू, ठीक है, ये हो गया सर्कल। इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस, रेडियस कितनी आती है, अंडर रूट ऑफ, रेडियस कितनी आती है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, मतलब थ्री का स्क्वायर नाइन, एफ स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस सी कितना है माइनस ट्वेल्व, प्लस ट्वेल्व हो गया, आर आ गया फाइव, तो रेडियस कितने आ गए इसके फाइव, ठीक है, सेंटर और रेडियस निकाल। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ना आपको उसको इमेजिन करते रहना बहुत जरूरी है, अगर आप उसके डायग्राम इमेजिन कर पाओ तो 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है आपका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल, एक सर्कल को एक लाइन क्या है टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गई, ठीक है, विच आर पैरेलल टू द लाइन, ये टेंजेंट एक और लाइन को क्या है पैरेलल है, मैं समझ आ रही है, ये होगी अपने टेंजेंट और ये होगी अपनी लाइन, तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या है, फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, आपको एक ऐसे पता होगा कि चाहिए कि जब दो लाइन एक दूसरे को क्या होती है पैरेलल होती है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, आपको कुछ याद आ रहा है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था, ये दो लाइन कैसी है पैरेलल है,
कैसे पता चला? x का कोएफिशिएंट सेम, y का कोएफिशिएंट सेम, कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है, मतलब ये दोनों लाइन कैसे है, पैरेलल है। तो ये हो गया टैन, ये लाइन का इक्वेशन, और ये हो गया आपका टेंजेंट। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, 4x प्लस 3y, कांस्टेंट टर्म अलग होगी, x की टर्म y की टर्म सेम होती है, कांस्टेंट टर्म अलग होती है। तो इसका मतलब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये k कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे इस सेंटर से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि P, वो किसके बराबर में है, R के बराबर में। P किसके बराबर में है, R के बराबर में, जो टेंजेंट है ना ये। अभी जो सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस कैसे है, कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। लाइन कौन सी लाइन, ये टेंजेंट, कौन सी लाइन, टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, 4x के जगह क्या आएगा, x1 प्लस 3y के जगह क्या आएगा, y1 प्लस k अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू, रेडियस कितनी है 5, 4 x के जगह क्या आएगा 3, x1 के जगह क्या आएगा 3 प्लस 3, y1 के जगह कितना आएगा माइनस 2 प्लस k अपॉन में कितना आएगा 5 is equals to 5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 6, and 6 plus k, 6 plus k is equals to 25, 6 plus k is equals to 25, समझ गए सबको? ओके, मॉड को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। तो पहले पॉजिटिव से ओपन करते हैं, तो पॉजिटिव से ओपन करें तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 19 आ जाएगी, ठीक है। और एक नेगेटिव से ओपन करते हैं तो 6 प्लस k इज इक्वल टू माइनस 25, k इज इक्वल टू कितना होगा, ये उधर गया तो माइनस 31, तो k की वैल्यू आ गई। फिर आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 4x प्लस 3y प्लस 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 19 इज इक्वल टू 0, या फिर 4x प्लस 3y माइनस ये 31 है, माइनस 31 इज इक्वल टू 0। तो ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इसके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, टॉपिक समझा होगा, न्यूमेरिकल, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 है वो सॉल्व करके रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, बट सभी को सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 ट्राई करना है, ठीक है, ओके।